भारत एक विशाल देश है। अलग अलग जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, भाषा और बोलियों की विभिन्नता के साथ भारत की ज्यादातर आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। खास तौर पर आदिवासी गांव शहरों से काफी दूर और पिछड़े हुए हैं। शिक्षा तथा जानकारी की कमी के कारण यह आबादी समाज की मुख्य धारा से अभी तक पूरी तरह से जुड़ी नहीं है। अति पिछड़े एवं आदिवासी विस्तार तक सरकार की योजना और कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। जमीनी स्तर पर लोगों तक जितनी जानकारी पहुंचेगी, उतनी ही शासन में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामजनों की हिस्सेदारी से पंचायत का सशक्तिकरण होगा और लोकतंत्र की नींव और मजबूत बनेगी। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा और सागबारा और अरवली जिले के मेघरज ब्लॉक में और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवाली, खरगोन जिले के झिरनिया और धार जिले के मनावर ब्लॉक की कुल मिलाकर 96 पंचायतों में ग्रामीण सुशासन परियोजना का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखो तो जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि करीब 29 जो चीज है जो गांव में होती है वो उसकी उसकी जिम्मेदारी पंचायत को दी जाएगी। और धीमे धीमे ये देश में ज्यादा ज्यादा पैसे भी जो सरकार देती है गाँव में, वो पैसे भी अभी पंचायत की तरफ आ रहे हैं और सही बात है। तो परंतु उन पंचायतों का अगर सशक्तिकरण ना हो, उनको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, या नागरिक को पता नहीं है कि पंचायत के पास क्या अपेक्षा होनी चाहिए और कैसे पंचायत के साथ काम लिया जा सके, तो फिर ये योजनाएं होगी पर ना पंचायत को पता होगा ना नागरिक को पता होगा, तो फिर कुछ योजनाएं पहुंचेगी नहीं। वो अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं बजट हो गए और प्लान हो गए पर जमीनी तौर पे कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो इस बदलाव को लाने के लिए संस्था ने ये स्थानीय शासन की जो भी संस्थाएं हैं जैसे तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और अलग अलग अधिकारी हो उनके साथ और नागरिक के साथ काम करना शुरू किया। आदिवासी बहुल वाले इन इलाकों के लोग ज्यादातर मजदूरी या खेत मजदूरी के जरिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जिनके पास थोड़ी जमीन है वो छोटी बड़ी खेती करते हैं। बहुत गरीबी में जी रहे लोगों में शिक्षा कम होने और जानकारी नहीं होने के कारण लोगों की सरकारी कार्यक्रम व योजना तक पहुंच नहीं है। ग्रामीण सुशासन परियोजना का मूलभूत काम जो है वो नागरिकों और पंचायतों को सक्षम करने का, और इसका जो कोर ऑफ द अप्रोच हम कह सकते हैं, हमारी रणनीति का जो मुख्य अंग है वो नागरिक सूचना केंद्र। नागरिक सूचना केंद्र जो है उसके तीन हमारे सिद्धांत पे हमने इसको विजुलाइज किया है। पहला है सूचना, दूसरा है सहभागिता और तीसरा है सुशासन। हम मानते हैं कि नागरिक या पंचायत या कोई भी जो स्टेक होल्डर पूरी सुशासन की व्यवस्था में है उनके पास जब जानकारी होगी तभी वो अपने आवाज को इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा पाएंगे और उसपे सहभागी हो पाएंगे। और यही सहभागिता, जितना ज्यादा सिटीजन्स की सहभागिता, पंचायतों की सहभागिता पूरी व्यवस्था में होगी उतना हम सुशासन के एक एंड गोल को हासिल कर पाएंगे। ये सोच के साथ हमने नागरिक सूचना केंद्र को एस्टैब्लिश किया है। ये नागरिक सूचना केंद्र जो है वो सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ रिसोर्सेस एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो उतना मर्यादित नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस के तौर पर देखा गया है जो या तो ब्लॉक लेवल पे या पंचायत स्तर पे इन पूरी सोच को नागरिकों, पंचायतों और प्रशासन तक ले जाने की कामगिरी करता है। तो इसके तीन जो स्टेक होल्डर्स है वो भी यही तीन है। सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट है सिटीजन, नागरिक, उसके साथ साथ पंचायत, और तीसरा अंग है वो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि हमने जितने भी विकास के कार्यक्रम या अलग अलग इंटरवेंशन किए हैं सरकार या गैर सरकारी संगठनों ने, उसमें इसमें से अगर एक भी स्टेक होल्डर नहीं है या छूटा जा रहा है या वो इस पूरी सोच में सहभागी नहीं है तो उसकी जो रिजल्ट या उसका जो परिणाम हम देखना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाता है। तो एनएस के जो वो यही एक काम करता है कि ये तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच में आपस में संवाद कैसे बढ़ाया जाए।
नागरिक सूचना केंद्र पर इन सारी सूचनाओं की जानकार व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहती है, जो यहाँ आने वाले ग्रामजनों को उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए और उसके लिए जरूरी कागजी कार्यवाही की जानकारी देते हैं तथा आवेदन करने में भी मदद करते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि सरकार के जो आंकड़े हैं या सरकार के जो दर्ज की गई हुई डिटेल्स है, वो गांव की डिटेल्स या आंकड़े और अनुभवों से मैच नहीं हो रहे, तो ये तालमेल नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स या पॉलिसीज जब डिजाइन होते हैं तब उसमें कुछ गैप्स रह जाते हैं। तो सही मायने में अगर प्रोग्राम और पॉलिसीज डिजाइन करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे, तो उसके लिए पहला जरूरी कदम है कि गांव की सही चित्र जो है वो उनके पास हो। इस काम के लिए ये दो तरफा कम्युनिकेशन जो है, संवाद की जो प्रक्रिया है, वो उतना ही जरूरी है। तो NSK काम करता है कि वो सरकार से जानकारी पंचायत और गांव तक पहुंचाता है, और उसी वक्त वो गांव से नागरिकों और पंचायतों से जो चीजें निकल के आ रही है वो सरकार तक पहुंचाता है। नागरिक सूचना केंद्र से सरकारी योजनाओं तक नागरिकों की पहुंच में बढ़ोतरी होती है। नागरिक सूचना केंद्र पंचायत सदस्यों के लिए संसाधन का कार्य करता है। नागरिक सूचना केंद्र द्वारा नागरिक मित्र, मोबाइल माहिती कार्यक्रम, SMS, नागरिक सूचना हेल्पलाइन, नागरिक ऐप तथा पंचायत स्तर ई शिविर के माध्यम से सूचना दी जाती है। नागरिक सूचना केंद्र द्वारा नागरिक मित्र और स्वयंसेवक युवाओं को पंचायत संबंधी मामलों और सरकारी योजनाओं की तालीम दी जाती है और उन्हें पूरी तरह सुसज्जित किया जाता है। वह लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्या जानकर उन तक न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं, पर कई मामले में उनके साथ सरकारी संस्थानों तक जाकर उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। नागरिक मित्र नागरिक सूचना केंद्र तथा ग्राम्य जनों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जे गामा में काम करे छे तेमा लाभार्थी जो आवता है तो मैं NSK पर बोलाये छे, जे NSK अठवाड़े सुधी खुल्लू रहे छे, तो अहीं आवे तो एमनी जोड़े अमे जे कते कचेरी नु काम होय तो एमनी साथे रहीने अमे एमनु काम करी आपीए छे। अने जे लाभार्थी नु अमे फॉर्म भरीए के एग्जाम्पल विधवा बहन नो, तो एमने अमे फॉर्म भरिया थी सुधी ने लाभ मळे त्यां लगी अमे एमनी साथे रहता संकल्प मां रहीए छे। અને નાગરિક સૂચના કેન્દ્ર દ્વારા જે અમારા સાગબારા તાલુકામાં 16 પંચાયતો સાથે કામ કરીએ છીએ, તો એમાંની જે 4 પંચાયતો છે એ 4 પંચાયતમાં સ્વભૂમિ કેન્દ્ર દ્વારા અમે કામ કરીએ છીએ। 4 પંચાયતના 16 ગામો થાય છે અને એ 16 ગામોમાં જમીન વારસાઈ, સજીવ ખેતી અને જે કૃષિ યોજનાઓની જે માહિતી છે એ પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા અમે ખેડૂતો સુધી પહોંચતી કરીએ છીએ। અમારા તાલુકામાં એક આગાખાન સંસ્થા કામ કરે છે, એમાં ગ્રામીણ સુશાન યોજનાનો અમલ કર્યો છે અને એ યોજના મારફતે દરેક 1-19 ગ્રામ પંચાયતો અમારે ત્યાં એને આવરી લીધી છે, અને એમાં અમારી જે ગવર્મેન્ટની જે યોજનાઓ છે એમાં કેવી રીતે એનો અમલ કરવો, કેવી રીતે એનું માર્ગદર્શન મહિલાઓને કેવી રીતે આગળ લાવી અને સરકારની જે યોજનામાં છે કેવી રીતે એને ઇન્ક્લુડિંગ કરવી એનું બધું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે અને એ રીતે પોતે કામ કરે છે। સજનવાવ એવું ગામ છે જ્યાં આગાખાનના GSP પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ત્યાં કાથુડિયા સમાજના જે અતિ પછાત ગણાતા બાળકો એમને ત્યાં સિઝનલ હોસ્ટેલ શરૂ કરવામાં આવી છે અને 50 બાળકોમાંથી 27 બાળકો કાથુડિયા સમાજના છે। એમને વાલીઓને પણ ઘણો આનંદ છે, સંતોષકારક છે અને બાળકો ભણવાની ઉત્સુકતા ધરાવે છે। નાગરિક સૂચના કેન્દ્ર દ્વારા ગામોમાં ઈ કેમ્પ કા આયોજન કર ગ્રામજનો કે લીએ સરકારી ઈ ગવર્નન્સ ઈ શાસન સુવિધા કે જરીએ इंटरनेट के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवा की प्रक्रिया गांव में ही ऑनलाइन की जाती है। ई कैंप के आयोजन के दिवस, समय और स्थल की जानकारी वॉलंटियर द्वारा गांव के लोगों को पहले से दी जाती है। ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों की ई गवर्नेंस तक पहुंच बढ़ाकर लोगों को आधारभूत दस्तावेज और सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी दी जाती है। ई कैंप का गाँव के लोग अनेक कार्यों के लिए लाभ लेते हैं, जमीन की जानकारी हो या सरकारी सुविधा या योजनाओं की जानकारी, यहाँ तक कि महिलाएं अपना बिजली का बिल भी ई कैंप में आकर भर सकती हैं। इससे गांव में ही सारी जानकारी मिल जाती है और योजना का आवेदन भी हो जाता है।
नागरिक सूचना केंद्र का एक कार्य है मोबाइल माहिती कार्यक्रम। मोबाइल माहिती कार्यक्रम द्वारा पंजीकृत मोबाइल धारक तक सीधा पहुंचा जाता है। कार्यक्रम का हर कॉल स्थानीय भाषा में होता है, जिससे मोबाइल पर सरकारी योजना एवं सरकारी कार्यक्रम के बारे में सूचना दी जाती है। यह जानकारी SMS के स्वरूप में भी दी जाती है। साथ ही नागरिक सूचना केंद्र द्वारा हेल्पलाइन भी चलाई जाती है, जिस पर कॉल करके लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं। राम राम दोस्तों, मोबाइल माहिती कार्यक्रम आपो बदा स्वागत है। वर्ष में 4 ग्राम सभा वेत्याज। ये आगा खान द्वारा जो मोबाइल पे जो मैसेज दिया जा रहा है, मीन्स हेल्थ पर्सनल और हेल्थ का एक हेड ऑफ ब्लॉक का हेड होने के नाते मुझे तो काफ़ी यूजफुल लगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंचता, तो मैसेज के माध्यम से लोगों के पास ये मैसेज पहुंच जाता कि फलाने दिन कोई कैंप स्पेशल होने वाला है या कुछ प्रोग्राम स्पेशल होना या हेल्थ का कोई कार्यक्रम होने वाला। नागरिक सूचना केंद्र अपने इन सब कार्यों द्वारा इन पिछड़े हुए विस्तारों के ग्राम्य जनों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने में सफल रहा है, और इस पहुंच से ग्राम जन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सक्षम हुए हैं। नागरिक सूचना केंद्र ने अब तक करीब 70,000 लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है, जिनमें से 46% महिलाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी आवेदन में से 72.7% आवेदन पूर्ण हुए हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है, जो उन्हें कभी पता भी नहीं थे। बच्चे के दिन में छेदता था तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, इसका 1.5 लाख का खर्चा आएगा। आगा खान संस्थान से जानकारी मिली, वहाँ से फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरने के फिर खरगोन गए, इसका ऑपरेशन हुआ था, फ्री में इलाज हुआ था सरकारी द्वारा, और हमारा कुछ पैसा नहीं लगा और ये बच्चा भी तंदुरुस्त है। माँ को वालो हेलो गेलो तिया बादे ते माँ जेठू है ते खेती मागा उठला झगड़ो के रहा उठला पेराया को आई नहीं दी में माँ सासू भी ने बाद मई हो मई समा ले आई खेती ने आपू आखो पहले ते सोता आवे एक बिजल मई आखियो ना हाँ का है कि इमागते तो मागते है कि पेन आई नहीं दी खेती है कि पेन फसे मई हूँ सुने तो बेनू ले अनुसा बेनू लख लो भाई माँ एक ही खेती मागते है या नहीं कहीं की हुए हैं कि हतिया खे आम ही हो जे स्वभूमि केंद्र पे ही आली आने फसे उषा बेनू ले आने सुनीता बेनू लाखियो हाथी यू हूँ बादी रीति वर्षा यू में की दे दो हाथी ती ने फसे मने काये बीजो एहन रो आगाड़ी काय ना धमकाते आमी हार रीति आई खेती बाड़ी की हूँ અને કઈ કેડો મનાક તો ના હા મહિલા ખેડૂ તો તારીખે તે ઓણખાણે વી ગઈ અમે આઈએ પહેલે મેં સાદી ખેતી કરતા હતા ઇસકે બાદ હેમંતભાઈ આગત ખાન વાલા ઉન્હોને આયા ઉન્હોને જાણકારી દી મેરે કો કૃષિ વિભાગ વાલે સે વાત કરી ઇસકે બાદ ફિર ઉસમે ને બોલો તેરે પાસ કિતની જમીન હે તો 2 એકડ હે 2 એકડ કે બાદ ફિર તો એસા કર પાવતી ફોટોકાપી કરવા લેના ઓર બિયોન ખસરા પણ આકે ને હમકો દે દેના તો પંચાયત સે કોઈ મિલ સકતા હે करके उन्होंने दिया तो फिर पंचायत में जमा करवाया। जमा करने के बाद फिर 1.5 महीने में वो आ गया। आने के बाद मेरे को 50 पाइप मिले और एक ड्रम मिला और दवाई मिली और बीज मिला, तो उससे मेरा बहुत फायदा हुआ है। ए भतरीजी है मेरी, बोलती नहीं एटले विकलंग नी बदी माहिती मने बबीता बेने आईपी एटले अमे बधा कागड़िया कईरा, बोलती नहीं एटले एसटी पास ने पैसा ने सिलाई मशीन हो मळ्युं ने बस पास हो मळ्युं। हाल की परिस्थिति में पंचायत कार्यरत तो है, मगर पंचायत एवं ग्राम सभा को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। ग्राम जनों का पंचायत के निर्णयों में योगदान नहीं होता और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं की भागीदारी भी नहीं होती। इस परिस्थिति में महिलाओं एवं सभी लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जन जागृति लाकर पंचायत के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाकर पंचायत को मजबूत करना ग्रामीण सुशासन परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान बढ़े, इसलिए नागरिक मित्र एवं स्वयं सेवक गाँव की महिलाओं को महिला सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। महिला सभा का आयोजन ग्राम सभा से पहले होता है। महिला सभा में गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी समस्या के बारे में चर्चा करती है और उसके समाधान के लिए अग्रता क्रम तय करती है।
चुनी हुई महिला सदस्य ग्राम सभा में महिला सभा के मुद्दे रखती है। योजना बनाने एवं बजट आयोजन में महिलाओं के मुद्दों का समावेश करने के लिए ग्राम पंचायत पर दबाव बनाती है। आज दुदली वेज में महिला सभा चर्चा वेती में तीन काम मुश्किल है। पहलो पानी सुविधा, बीजो शौचालय सुविधा, तीजो नबड़ा बाड़क सुविधा। तो ये तीन सुविधा है कहा के लाए ग्राम सभा मीटिंग में चर्चा के हैं। महिला सभा के सशक्तिकरण का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश के झिरनिया में स्थित बाईखेड़ा गांव की यह महिलाएं, जिन्हें पानी की बहुत समस्या थी। इन महिलाओं ने महिला सभा में गांव में पानी की व्यवस्था करने का निर्णय किया। मेरा नाम संगीता है, मैं बाईखेड़ा ग्राम पंचायत से हूँ। पहले आगा खान आए हमारे गांव में और फिर चार पाँच समूह बनाए, सब इकट्ठी महिला हुई गाँव में। तो फिर ऐसे करके चार पाँच समूह बने हमारे गाँव में। फिर हम बचत इकट्ठी करने लगे, मीटिंग रखी कि भाई अपने को ग्राम सभा में भी जाना है, अपनी बात रखना है। तो फिर अपने गांव में क्या पहले तो परेशानी है, सब महिलाओं ने बोला कि पानी का मुद्दा रखे पहले। तो हमने फिर पानी के लिए ये डैम के पास गए भिकन गांव, वहाँ लिखित में दे आए। फिर तीन महीने के बाद में कुछ आया नहीं। फिर और रात में मीटिंग ली हम लोगों ने कि अब क्या करते, अपन तो गए कि वहाँ खरगुन चलो कलेक्टर के पास में, जिले वाले का। तो वहाँ गए हम, गाड़ी करी हमने, चंदा करा इकट्ठा, सब महिलाओं ने पैसे इकट्ठे करके फिर गाड़ी करके वहाँ गए खरगुन में। तो वहीं कलेक्टर साहब नहीं थे, फिर हमारा मतलब क्या रहेगा, हमारे गांव में कितने पैसे। हमने फिर वहाँ हंगामा मचा दिया था, सब चर्चा करने लगे। फिर कलेक्टर साहब फिर आए, फिर उनसे मिल के, फिर उनने भी हमको लिखित में उनको भी दिया हमने क्या हो जाएगा पानी का। ये थी हमारे गांव में झुमा सलोन गई थी, उनकी गाड़ी रोकी खरगुन, हमें जिले की इधाक है वो सब। भाई इनको झुमा सलोन को इनको रोको भाई, ये अपनी सुनवाई करेगा, दूसरे तो कोई सुनवाई नहीं करेगा, सरपंच मंत्री कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो वो कहेगी क्या है तुमको तकलीफ, मेरी दीदी हमारे यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, हम दो दो तीन तीन किलोमीटर पर पानी लेने जाते हैं। मेरी देख लो, मेरी बेड़ा भी यहाँ बोर लगी है, नहीं तो पानी नहीं है। मेरी हम देखो दिन भर पानी के लिए परेशान होते हैं। मेरी तो हमारे बात सुन ले कि मैं पहुंचा दूंगी बोर के। तो मेरे गांव में सरपंच मंत्री है, तो मेरी सरपंच मंत्री सुनवाई नहीं करे, चार साल हो गए उनको। तो वो बोर कराई, वो बोर खाली गांव तक के पानी आ गए बस। ग्राम सभा गांव लोगों के स्वशासन की सभा है। ग्राम सभा में गांव के लोगों द्वारा इकट्ठा होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा बहस करके लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लिए जाते हैं। ग्रामीण सुशासन परियोजना के लिए ग्राम सभा पंचायत और गांव के लोगों के बीच विश्वास संपादन की जगह है। अगर पंचायत और गांव के लोगों के बीच विश्वास नहीं होगा तो सामूहिक निर्णय होना संभव नहीं है। ग्रामीण सुशासन परियोजना अंतर्गत ग्राम सभा के महत्व के बारे में लोगों को जागृत किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि पंचायत की चुनी हुई महिला सदस्य महिला सभा में हुई चर्चा के बारे में ग्राम सभा को अवगत करे। ग्राम सभा में होने वाली चर्चा एवं निर्णयों की रजिस्टर में नोंद की जाए और पारित किए गए मुद्दों का तालुका जिले में ट्रैकिंग कैसे की जाए, इसकी भी जानकारी उन्हें दी जाती है। पंचायतों की क्षमता वर्धन में इस बात पर फोकस किया गया कि पंचायत लीडर्स को पंचायती राज कानून के बारे में पता चले। दूसरा जो चीज किया गया उसमें पंचायतों का विजनिंग एक्सरसाइज, इसके लिए जो पंचायत लीडर्स हैं उनको देश की सबसे बेहतरीन पंचायतों तक ले जाया गया और ये दिखाया गया कि पंचायतें चाहे तो गांव के स्तर पर क्या कर सकती है, जैसे कि मेंडालेखा, पुनसरी, इन सब हिवरे बाजार, ये सब जो पंचायतें देश में बेहतरीन काम कर रही है उन सब पंचायतों तक हमारे परियोजना के जो गाँव के पंचायत लीडर्स हैं उनको ले जाया गया। जो तीसरा महत्वपूर्ण काम इस परियोजना के अंतर्गत किया गया वो ये था कि पंचायतें खुद नागरिक सूचना केंद्र अपने पंचायत के अंदर शुरू करें, और अभी आज की तारीख में देखें तो कम से कम 20 पंचायतें ऐसी हैं जो ये कार्य अपने पंचायत स्तर पर शुरू कर चुकी हैं। इंटीग्रेटेड प्लानिंग एक्सरसाइजेस, पंचायत के स्तर पर इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतया पंचायतें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड वर्क्स के ऊपर फोकस करती हैं, जैसे कि सड़क, नालियां या कुएं, लेकिन कई महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु होते हैं जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जिसके ऊपर पंचायतें प्लानिंग नहीं करती है। इन बिंदुओं को
इंटीग्रेटेड प्लानिंग में लाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी, खासकर महिलाओं की और पंचायत सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, ताकि वो मुद्दे प्लानिंग में जरूर आए जो कि सामान्यतः छूट जाते हैं। और इसी के लिए यह कोशिश की जाती है कि प्लानिंग के दौरान पंचायतें केवल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस न करें, बल्कि यह भी देखें कि पंचायतें किस तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए गांव के सभी लोगों के विकास का आयोजन हो, यह बेहद जरूरी है। इसके लिए पहले गांव के अलग अलग वार्ड में लोग और वार्ड प्रतिनिधि के साथ कामों का आयोजन किया जाता है और तय हुए कामों को अग्रता क्रम दिया जाता है। बाद में गांव स्तर पर सभी वार्ड में तय हुए कामों को लेकर पंचायत का अग्रता क्रम तय होता है और साथ ही उन कामों में खर्च होने वाली राशि कहां से उपलब्ध होगी उसके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। बाद में इन सारे निर्णयों को ग्राम सभा के साथ साझा किया जाता है। बहुत सारी जो काम की डिमांड या काम की जरूरत या सॉल्यूशंस जो पंचायत या गांव से नागरिकों की ओर से आए हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की कोई योजना या कोई बजेटरी प्रावधान में फिट नहीं हो पाते हैं। और इस तरह की कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ यूनिक चीजों के लिए पंचायत को रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो जाती है। अब हमारा संविधान भी कहता है कि भाई पंचायतों को फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरी का एलोकेशन होना चाहिए, पर वो कुछ हद तक नहीं हो पाया है। इसके चलते जो दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों को कैसे एड्रेस किया जाए, ये सोच के साथ हमने एक छोटा सा इंटरवेंशन जो डिजाइन किया था ग्रामीण सुशासन परियोजना के तहत, वो था सुशासन बजट। सुशासन बजट का जो सिंपल और सीधा सा ऑब्जेक्टिव है, पंचायतें और नागरिक अपने गाँव के प्रॉब्लम्स या जरूरतों के लिए अगर कोई सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो उनको रिसोर्स कंस्ट्रेंट फेस न करना पड़े। ये प्रोजेक्ट से हम उनको बहुत ही छोटे पैमाने पे एक सहयोग देते हैं, वो या तो फाइनेंशियल हो सकता है या टेक्निकल भी हो सकता है, और उसी वक्त ये फंड हमें एक इंटरवेंशन स्पेस देता है जहां पे हम एक मॉडल खड़ा करते हैं कि अगर पंचायतों को सही मायने में अनटाइड फंडिंग दिया जाए जो वो ओपनली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो वो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपनी नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। ज्यादातर जो सुशासन बजट के काम लिए गए उसमें हर एक में था कि पंचायतों ने खुद ने रिसोर्सेज रेज किए, नागरिकों ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो ये एक छोटा सा ही अमाउंट है जो करीब करीब हमारे केसेस में 30-35 हज़ार से ज्यादा कहीं नहीं लगा है। पंचायतों ने इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हुए 70,000-80,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का इसका इन्वेस्टमेंट को बहुत ही प्रॉपरली यूज किया है। पानी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक हैंडपंप पर लाइन लगने पड़ते हैं हमको, तो हमने मैडम को बोला, इनको सबको बोला, भाई हमारे पानी की दिक्कत ज़्यादा हो रही तो हमको यहाँ पानी की व्यवस्था कर दो। सरकार तरफ से हमको एक मोटर मिली 35,000 की, और हमने मोटर डलवाया और बाकी हमने पैसे सब गाँव वाले इकट्ठे करे और पाइप हम लाया और 2-3 जगह कनेक्शन कर दिया पानी का। ढोर के लिए भी फायदा हो गए, मनुष्य के लिए फायदा हो गया और बच्चे के स्कूल के लिए फायदा हो गया। मैं ग्राम साईखेड़ा का रहने वाला हूँ। प्राइमरी स्कूल में मैं एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। ध्यान भोजन और बर्तन वगैरह की समस्या थी तो उन्होंने मेरे को जैसे बनाया अध्यक्ष हो, तो मैंने सबसे पहले समस्या तो उनकी जो चूल्हे पे रोटी बनाते थे, तो एक टंकी लाए फिर दूसरी टंकी भी, दो गैस चूल्हे लाए। उसके बाद में हमको ये भी जानकारी थी कि बच्चों के लिए कितना पैसा आता है, कितना गेहूँ आता है, कितना तेल आता है। संस्था द्वारा हमको जानकारी मिली, जो बनाने वाले हैं समूह वाले वो भी एक दो बार गए तो उनको भी जानकारी मिली कि नहीं नहीं ये शासन तरफ से पैसा मिल रहा है और ये मेनू के अनुसार बनाना चाहिए। लेके कच्ची रोटी मिल रही थी, कच्चा भोजन मिल रहा था बच्चों को, सभी मीटिंग रख दी और मीटिंग के रखने के बाद में फिर स्कूल में भी मीटिंग रखी थी और सब खाना को चेक करने लगे तो खाना अच्छा बन गया। हम हिवरे बाज़ार गए थे, वहाँ के सरपंच का वो कार्यकाल देखा था, साफ़ सफाई के और नशा मुक्ति के बारे में अच्छा काम वहाँ पे हो रहा था, और तो इसलिए हमने वहाँ से वापस आए और यहाँ से हमने
डीएसए के माध्यम से गाँव ब्राह्मणपुरे में नशा मुक्त के लिए हमने विशेष मीटिंग बुलाई थी। अधिकारी भी आए, सीओ साहब भी आए थे, अधिकारी भी आए थे। जब तक अपन नशा मुक्त नहीं करवाएंगे वहाँ तक गांव का विकास नहीं होगा, इसलिए हमने गांव वालों सबको शपथ दिलवाई और नशा मुक्त करवाए। पहले जो पी के ना झगड़ा करते रहते थे, ज़्यादा पी लेते, तो इस गांव में हमने जो रैली निकाली थी शराब बंदी करने के लिए, तो अब बंद हो गई, सुख शांति थोड़ी गाँव में मिल गई शराब बंद होने से। डेढ़ियापाड़ा के कुंडियांबा ग्रुप ग्राम पंचायत में ग्राम स्तरीय नागरिक सूचना केंद्र कार्यरत है। गांव में ही सुविधा होने से लोगों को सरकारी कामों की जानकारी एवं फॉर्म भरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले यहां पंचायत की बैठक भी ठीक से नहीं होती थी, मगर संस्था द्वारा यहां के लोगों को पंचायत के हकों के बारे में अवगत करवाया गया एवं उन्हें महाराष्ट्र के मेंढालेखा गाँव भी ले जाया गया, जहाँ से सीख कर यहां के पंचायत सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ा। आज गांव की पंचायत लोगों की जरूरतों को समझकर सहभागी आयोजन कर रही है। यहां के सरपंच ने सारे हिसाब किताब की जानकारी हेतु से एक नवनीत प्रयास किया है। हमने कैलेंडर छपायू छे पंचायत द्वारा, एमा 5 वर्ष नी अंदर जे कई आवक जावक छे पंचायत नी, ए विषय अमे चर्चा करी अने गाम लोको सुधी अमे पहोंचवानी व्यवस्था करी छे અને બધા ગામ લોકોને આ કેલેન્ડર પૂરા પાડ્યા છે। મધ્ય પ્રદેશ કે નિવાલી જનપદ કી કુસમિયા ગ્રામ પંચાયત ગ્રામજનો કા પ્લાન બનાકર સર્વાંગી ગ્રામ વિકાસ આયોજન કા એક અનોખા ઉદાહરણ હૈ। યહાં પંચાયત એવં ગ્રામવાસીઓ ને અગલે 5 સાલો કે લિયે પ્રતિભાગી આયોજન તૈયાર કિયા ઓર વન રોપણ, જલ નિકાસ, વિદ્યુતીકરણ, જન વિકાસ કા કાર્ય કાર્યાન્વિત કિયા હૈ। गुजरात के नर्मदा जिले के डेढ़ियापाड़ा में स्थित खोखरा उमर ग्राम पंचायत ग्रामीण सुशासन परियोजना से सक्रिय रूप से जुड़ी है। यहाँ पिछले साल गांव के बच्चों के लिए पंचायत ऑफिस में ही पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी। यहाँ 10वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के फेल होकर पढ़ाई छोड़ देने की बड़ी समस्या थी। सरपंच और ग्राम वासियों ने संरचनात्मक कार्यों से ऊपर उठकर कुछ नया करने की सोची और पंचायत ने ही इन बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षा वर्ग शुरू किया। आज यह शिक्षा वर्ग सुचारू रूप से चल रहा है, बच्चे रोज यहां पढ़ने आते हैं और इस जागरूक पंचायत के कारण अपना नया भविष्य खुद लिख रहे हैं। ग्रामजनों में जागरूकता का एक उदाहरण है पाट ग्राम पंचायत। आज यहां पंचायत ने सेवा प्रदाताओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आज डेप्यूटी टीडीओ को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में सरपंच, पंचायत के सदस्य और ग्रामजन भी उपस्थित रहे हैं तथा उनके समक्ष सभी विभागों द्वारा उनकी अब तक के कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इस बैठक में गांव में भविष्य में करने योग्य विकास कार्यों की रूपरेखा बनाई जा रही है और बाकी बचे कार्यों की समय सीमा भी तय हो रही है। इस प्रकार ग्रामजनों का उत्साह भी बढ़ा है और उनकी अपने काम के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। इस योजना में हमने 4 पहलू पे काम किया था। एक तो है नागरिक और नागरिक के हक, नागरिक की जानकारी योजनाओं के बारे में। दूसरा है पंचायत और पंचायत कैसे वो एक बीच की कड़ी है एक गांव के लोग और नागरिक के साथ, और दूसरा आगे के जो सरकारी योजनाएं है या तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, राज्य सरकार है, उनके साथ जुड़ती हुई एक अहम कड़ी है कि गांव की पूरी बातें ऊपर ले जाने का काम ग्राम पंचायत करे। तीसरी कड़ी है सरकार, तो सरकार ये कैसे ये नागरिक के साथ और पंचायत के साथ कैसे पेश आती है, कैसे उनके उनको उनको सपोर्ट देती है, वो बहुत अहम चीज़ है। और योजनाएं उनके साथ मिलके बनाती है, उनको पूछ के बनाती है, अगर योजना सही हुई या ना हुई, अमल नहीं हुई तो उनके क्या प्रश्न है, वो ये जिम्मेदारी सरकार की है, तो ये बुरा है कि नहीं वो उनका काम है। जो चौथा पहलू इन योजना में था और वो था जो महिला प्रतिनिधि होती है पंचायत में, उनका हम कैसे वो सही में सशक्त हो, जो अपनी आवाज़ उठा ले, और महिलाओं की आवाज़ जो गांव में जो उनके सवाल है वो ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में और आगे उठा के आगे बढ़े। तो ये चारों चीज़ पे हमने काम तो किया,
पर मुझे लग रहा है जो सरकार के साथ जो काम करना है कि सरकार का जो रिस्पॉन्स है पंचायत के साथ और नागरिक के साथ, उसमें कैसे बदलाव लाए और उसमें कैसे प्रोसीजर्स में या प्रोग्राम्स में या वो बदलाव लाने, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ तो इतना ज़्यादा जितना चाहिए इतना काम हुआ नहीं। दूसरा है कि जो नागरिक के साथ नागरिक को जानकारी मिले उसके लिए जो जो भी व्यवस्था हुई है वो कैसे टिकाऊ रहे, कैसे सस्टेन रहे, क्योंकि अभी तो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं पर प्रोजेक्ट ना हो फिर भी ये चलते रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, वो एक दूसरा प्रश्न। और तीसरा, ये जो महिला प्रतिनिधि है उनके साथ मुझे लग रहा है बहुत काम करना है, तो ये जो पहलू है उसमें अभी और काफ़ी कुछ काम करना बाकी है और हम सोच रहे हैं कि आगे हमारी जो दिशा है उसमें इसके ऊपर भी और काम करेंगे। ग्रामीण सुशासन परियोजना से आदिवासी बहुल एवं दूर दराज के इलाकों में भी सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों की जानकारी बढ़ी है एवं पंचायतों द्वारा किए जाने वाले ग्राम विकास के कार्यों के आयोजन तथा क्रियान्वयन में महिलाओं तथा अन्य ग्रामजनों की भागीदारी बढ़ी है। इस तरह से ग्रामीण सुशासन परियोजना से पंचायत राज संस्थाओं की नींव पक्की हो रही है, साथ में हमारी लोकशाही की जड़ें भी मजबूत हो रही है।